हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको फ्लाई दुबई एयरलाइन का रिव्यू देने जा रहे हैं। हमने सफ़र किया है फ्लाई दुबई की इकोनॉमी क्लास से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मदीहा मुख्तार एंड वेलकम टू द चैनल। हम जा रहे हैं कराची से दुबई की जानिब। सफ़र शुरू करने से पहले सफ़र की दुआ पढ़ लिया करें। घर से निकलते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि आप फ़्लाइट से 1 से 2 घंटे पहले रवाना हों, ताकि आपकी बोर्डिंग वगैरह के लिए आपके पास मुनासिब वक्त हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फ़्लाइट बिल्कुल भी डिले नहीं है, अपने मुकर्रर वक्त पर टेक ऑफ के लिए रेडी है। Once again, good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board. You're kindly requested to take your seats as indicated on your boarding passes and not to block. Being की सीट्स काफी सिंपल थी और रिलैक्स करने के लिए या सीट्स को अप एंड डाउन या पांव सीधा करने की ज़्यादा स्पेस नहीं थी और सीट्स पे कोई स्क्रीन वगैरह भी नहीं थी, पर क्योंकि फ़्लाइट की ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो इट्स ओके। फ़्लाइट में मील को इंक्लूड करवाना ऑप्शनल होता है, हमने इंक्लूड करवाया था तो हमें सर्व किया गया। मील में हमको स्पेनिश फ्रिटाटा सर्व किया गया था अलॉन्ग विद जूस एंड वाटर। मील का टेस्ट हमारे पाकिस्तानी फूड के मुताबिक बिल्कुल नहीं था, सो यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपका बजट लो है और आप सफ़र करना चाहते हैं दुबई के लिए, तो फ्लाई दुबई इज़ गुड चॉइस फॉर दिस पर्पस। फ्लाई दुबई की एयरलाइन दूसरे जहाज़ों की बनिस्बत बजट में लो होती हैं, यानी इनके प्राइसिंग दूसरे जहाज़ों के टिकट्स की बनिस्बत कम होती हैं। प्लेन की टिकट्स की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो आप अपने स्केड्यूल के मुताबिक प्राइसिंग को चेक करके अपने टिकट्स वगैरह की बुकिंग करवाएँ।
ready to land. And again, alhamdulillah. Flight without any delay. अपने time पर land करने के लिए ready है. Overall experience is fine. Staff भी responsive था. सबसे बढ़कर हम अपने time पर अपनी destination तक पहुँच गए. तो ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको पसंद आए. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.